चैनल डिजाइनर बिल्डिंग ड्राइंग रिव्यू। मेरा नाम पंकज कुमार है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हाउस प्लान लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका साइज है 20 फीट × 52 फीट, ठीक है। और इसका प्लॉट एरिया 1040 स्क्वायर फीट है दोस्तों। इसे ईस्ट फेसिंग के अनुसार डिजाइन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस हाउस प्लान के पूरे जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी इस हाउस प्लान के बारे में आप लोगों को पता चल पाएगा दोस्तों, वरना आप स्किप कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या पता दोस्तों यह हाउस प्लान आप लोगों के लायक हो, जैसा आप लोग चाह रहे हो, जैसा आप लोगों का प्लॉट साइज हो या उसी से रिलेटेड हो, तो यह बिल्कुल आपके काम का हाउस प्लान है दोस्तों। इसलिए कम से कम इससे आप लोगों को आइडियाज मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्लान होना चाहिए हमारे इस साइज में, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अपन चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर 20 फीट इसका लंबाई, 52 फीट इसका चौड़ाई है, ठीक है दोस्तों। और इसका प्लॉट एरिया 1040 स्क्वायर फीट है और इसमें 2 BHK के हिसाब से इस प्लान को डिजाइन किया गया है और यह ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं इस प्लान के रिव्यू के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेन गेट है। मेन गेट से अपन पोर्च में इंटर करेंगे। पोर्च का साइज है 9 फीट 4 इंच × 15 फीट 3 इंच, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड में एक स्टेयर दिया गया है ताकि वहाँ से अपन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर और छत तक आसानी से पहुँच सके और बालकनी में आसानी से पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर स्टेयर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अपन पोर्च से इंटर करेंगे हाल में। हाल का साइज है 13 फीट 8 इंच × 15 फीट 5 इंच, ठीक है। काफ़ी अच्छा साइज है, ये काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का है हाल का साइज। और इस हाल में एक विंडो दिया गया है ताकि यहाँ से प्रकाश और एयर का सर्कुलेशन बना रहे, ठीक है। उसके बाद अपन हाल से किचन में इंटर करेंगे। किचन का साइज है 8 फीट 5 इंच × 8 फीट 0 इंच और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है दोस्तों, ये सामने में। और यहाँ पर एक विंडो दिया गया है ताकि यहाँ से जो गैसेस बनती है किचन में वो आसानी से यहाँ से निकल सके और प्रकाश हमेशा मॉर्निंग टाइप ईस्ट फेसिंग की तरफ से, मतलब पूर्व दिशा से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले किचन में पहुँचे। उसके बाद अपन इस हाल से ये डक्ट लगा हुआ है, एक डक्ट बना हुआ है यहाँ पर। डक्ट का साइज़ है 4 फीट 6 इंच × 4 फीट, ठीक है। और इस डक्ट को इसलिए दिया गया है ताकि ये कॉमन टॉयलेट में प्रकाश और ये पूरे हाल में प्रकाश का आना जाना लगा रहे, ठीक है। एयर का सर्कुलेशन इस हाल से पूरा बना रहे, इसलिए इस डक्ट को यहाँ पर दिया गया है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर किचन में एक स्टोर रूम दिया गया है, इसका साइज 4 फीट 6 इंच × 5 फीट 3 इंच है, ठीक है। यह भी काफ़ी अच्छा साइज है स्टोर रूम का। यहाँ पर रैक बनाकर काफ़ी बहुत सारे सामान को रखा जा सकता है किचन का, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर डक्ट से होते हुए अपन कॉमन टॉयलेट में जा सकते हैं दोस्तों। इसका साइज 4 फीट 6 इंच × 6 फीट 6 इंच है और इस कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार अपन हाल से इंटर करेंगे इस बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज है 9 फीट 1 इंच × 13 फीट, ठीक है। काफ़ी अच्छा साइज है इस बेडरूम का। और इस बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट दिया गया है दोस्तों, इसका साइज 6 फीट × 4 फीट है। और इस अटैच टॉयलेट में एक वेंटिलेशन यहाँ पर दिया गया है पीछे के तरफ, ठीक है। और इस बेडरूम में एक विंडो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों ताकि यहाँ प्रकाश और एयर का सर्कुलेशन बना रहे। उसी प्रकार अपन हाल से इस सेकेंड बेडरूम में इंटर करेंगे। इसका साइज 9 फीट 1 इंच × 13 फीट है। दोनों बेडरूम का सेम साइज है दोस्तों लगभग, ठीक है।
और इस बेडरूम में भी एक अटैच टॉयलेट दिया गया है। इसका साइज 6 फीट × 4 फीट है और इस अटैच टॉयलेट में एक वेंटिलेशन दिया गया है, ठीक है, ताकि इस टॉयलेट का जो गैसेस है वो यहाँ से सर्कुलेट हो सके, ठीक है। इस प्रकार से इधर इस बेडरूम में पीछे तरफ एक डोर दिया गया है दोस्तों। यहाँ से अपन पीछे ओपन एरिया में या ओपन स्पेस में जा सकते हैं। ओपन स्पेस इसलिए दिया गया है दोस्तों ताकि इस दोनों बेडरूम में आसानी से एयर और प्रकाश का सर्कुलेशन बना रहे। इस ओपन एरिया का, इस ओपन स्पेस का साइज है 5 फीट 10 इंच × 4 फीट, ठीक है, काफ़ी अच्छा साइज है ये भी। यहाँ पर पीछे तरफ अपन कपड़ा वगैरह सुखाना और वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पर रखा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर का यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस प्लान को डिजाइन किया गया है, देखिए काफ़ी अच्छा हाउस प्लान है ये। 20 फीट × 52 फीट में 1040 स्क्वायर फीट में इस प्लान को डिजाइन किया गया है। और हाँ दोस्तों, इस प्लान में 9 इंच का वाल और 4 इंच का वाल यूज किया गया है और इसमें ज्वेलरी जो डिटेल है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दोस्तों। मैंने अपने हिसाब से इसमें डाला हुआ है डोर विंडो और वेंटिलेशन का साइज को, ठीक है। आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा बेडरूम का साइज, हॉल का साइज और पोर्च किचन और इधर अटैच टॉयलेट कॉमन टॉयलेट का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड साइज का मात्र 1040 स्क्वायर फीट में काफ़ी अच्छा इस प्लान को डिजाइन किया गया है दोस्तों। और इस मकान में अगर इस मकान को आप बनाएंगे तो यह जो मकान है वो पूरी तरह से प्रकाशित और पूरा एयर का सर्कुलेशन पूरे मकान में बना रहेगा दोस्तों। आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, हमेशा पूरा शुद्ध ऑक्सीजन इस मकान में बना रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा इस प्लान को डिजाइन किया गया है। आप लोगों को यह प्लान कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी तरह तरह का प्लॉट साइज के हिसाब से उन्हें भी यह प्लान मिल सके, ठीक है। तो ज़रूर आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज के इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, क्योंकि मैं हाउस प्लान से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसलिए बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों।